हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड स्टैटिक्स रैंकिंग के अनुसार किस देश का क्रिमिनल रिकॉर्ड के मामले में वर्ल्ड में नंबर वन रैंक रहा है? तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। वहीं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया 77th रैंक पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री बनी है दुनिया की पहली कंट्री जिसने नई मलेरिया की वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई बनी है उसमें चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3 को भी बेनिफिट देने की बात कही है? तो ये घाना देश की गवर्नमेंट है जिन्होंने ऐसा किया है। मलेरिया की बात करूँ तो ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। जो इसको फैलाता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। मलेरिया एक फीमेल मॉस्किटो का कैरी करती है प्लाज्मोडियम, जिसका नाम एनोफिलीस है। और मलेरिया सिंकोना के पेड़ से दवाई बनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। घाना की बात करूँ तो इसकी कैपिटल एक्रा है। घानियन सेड इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट इसके अफकू डैडू हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ये आपको ध्यान रखनी है। जो मज़े की बात यह है वो याद रखनी है, प्राइम मेरिडियन जो है वो भी इस देश से क्रॉस करती है, ठीक है, 0° लॉन्गिट्यूड। सेबी की बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अनवील किया है नया लोगो उसके फाउंडेशन डे पर। तो कब बना था सेबी ये बोल रहा है, तो सेबी बना था 1988 में, लेकिन सेबी को कानूनी दर्जा मिला 1992 के एक्ट के द्वारा। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, ठीक है। 12 अप्रैल 1988 को बना था, तो इस साल इसका 35वां फाउंडेशन डे बनाया गया। कोलकाता मेट्रो बनी है पहली मेट्रो रेल इन द कंट्री जिसने अंडर रिवर जर्नी को स्टार्ट कर दिया है। और ये टनल बनाया गया है किस नदी के नीचे है? हुगली नदी के नीचे। 520 मीटर स्ट्रेच में बना है ये रिवर के नीचे का टनल, 45 सेकंड्स में कवर किया जाएगा। और 32 मीटर बिलो द वाटर है ये, ठीक है, 32 मीटर पानी के नीचे इसको बनाया गया है। अगर ये स्ट्रेच ओपन हो जाता है तो हावड़ा जो है वो बनेगा कंट्री का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन, ठीक है। बंगाल की बात हुई है तो कैपिटल कोलकाता है, सीएम ममता बनर्जी है, गवर्नर सीवी आनंद बोस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है कि जो बर्थ एनिवर्सरी है विनायक दामोदर सावरकर की वो 28 मई को स्वतंत्रता वीर गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसे हाईलाइट किया जाएगा सावरकर के कंट्रीब्यूशन को इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर, उनके आइडियोलॉजी को, उनके कैंपेन्स को जिसके थ्रू सोशल रिफॉर्म्स हुआ, और इराडिक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को हटाने के लिए उनका योगदान जो था उसको हाईलाइट किया जाएगा। जो वीडी सावरकर जी हैं वो महाराष्ट्र में ही जन्मे थे, नासिक डिस्ट्रिक्ट में 1883 के अंदर 28 मई, इसलिए उस दिन को इस सर्व स्वतंत्रता वीर गौरव दिन के रूप में मनाया जाए। महाराष्ट्र की बात करूँ तो 1960 में बना था, मुंबई कैपिटल है, रमेश ब्यास यहाँ के गवर्नर हैं, एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम हैं। अकॉर्डिंग टू पोल एफिडेविट एनालाइज्ड बाय एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, किस स्टेट के सीएम ने लोवेस्ट टोटल असेट ऑफ अबाउट 15 लाख, किस सबसे कम असेट जो है 15 लाख रुपये का किस सीएम के पास? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के जो जगमोहन रेड्डी हैं उनका हाईएस्ट असेट पाया गया है 510 करोड़ रुपए का। जो 3 सीएम हैं जिनके सबसे कम डिक्लेयर एसेट्स हैं, एसेट्स का मतलब होता है कुल संपत्ति, वो तो एक तो हो गए वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी 15 लाख हैं, केरल के हो गए पिनाई विजयन 1 करोड़ हैं, हरियाणा के मनोहर लाल जी जो हैं इनके पास भी केवल 1 करोड़ की ही संपत्ति है। कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है जो लॉन्च करेगी एक प्रोग्राम जिसका नाम ए हेल्प है, एग्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवली स्टॉक प्रोडक्शन? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। वुमेन जो है इनके लिए चूज़ की गई हैं ताकि वो स्ट्रेंथन कर सकें लाइफ स्टॉक रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ग्रामीण इलाकों में जो दूर पड़ते हैं। और इस बात को ध्यान में रखा गया है कि ए हेल्प स्कीम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो स्कीम को लागू करें। उत्तराखंड से ही आपकी जो मैंने बात की वहाँ से स्टार्ट की जाएगी। उत्तराखंड 2000 में बना था 9 नवंबर को, 27th स्टेट ऑफ इंडिया। कैपिटल विंटर में देहरादून होती है उत्तराखंड की, समर में गैरसेन होती है। गवर्नर यहाँ के गुरमीत सिंह हैं, ये आपको ध्यान रखना। और भूतिया ट्राइब के लोग भी यहीं पर रहते हैं, ट्राइब्स अगर पूछी जाए। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ LIC? तो ये बने हैं रत्नाकर पटनायक जी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे ऑनर किया गया है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा 13वीं मैनेजिंग इंडियन अवार्ड सेरेमनी के दौरान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला,
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।